वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमपी में वैकेंसी निकली है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग प्लीज़ फॉर्म को फिलअप कीजिए, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और आपको फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो आपको मध्य प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप गूगल में MPSSCSB.organization को टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके लिए ईजिली ओपन हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहाँ से आप फॉर्म का फॉर्मेट है इजीली डाउनलोड करके सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो ART एंड FIART सेंटर है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग है जो की जाएगी और वैकेंसी इनके लिए है। मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, लैब टेक्नीशियन, डेटा मैनेजर, स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग प्लीज़ फॉर्म को फिलअप ज़रूर करना। 24 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। अभी आपके पास 20 डेज हैं, तो आप इजीली फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी क्या है, कितनी है, और आपको जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेंगी, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए है जो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो ये देखिए, 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था कि जो मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति है, तो यहाँ पर वैकेंसी हैं जो संविदा बेस पर होंगी। देन आफ्टर आपकी जो संविदा की जो पोस्टिंग है वो 31 मार्च के बाद, क्योंकि हर साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च के बाद है जो एक्सटेंड किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि आपको 31 मार्च के बाद है जो क्या किया जाएगा, जो आपका संविदा बेस्ड जो जॉब है, ड्यूरेशन है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पर साफ लिखा है कि संविदा अवधि को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आगे का जो वित्तीय वर्ष होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ कहा गया है ये पद संविदा के अस्थायी पद, दैट मीन्स आप इसको परमानेंट पोस्ट ना समझें, जिसमें आपको एम्स, चिकित्सा महाविद्यालय, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या फिर उनके रिलेट करते हुए हॉस्पिटल वहाँ पर ये रिलेट करेंगे। यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको एक साल तक के लिए, और जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी आपकी वो एक साल तक के लिए वैध मानी जाएगी। तो पोस्टों की बात करते हैं, कहाँ के लिए, किस स्टेट सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्ट है। तो हम आएंगे नर्सिंग के लिए कि नर्सिंग वालों के लिए कहाँ कितनी पोस्ट है। तो लैब टेक्नीशियन की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लैब टेक्नीशियन के लिए अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वहाँ पर पोस्ट है, तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिए। सैलरी थोड़ा कम है, बट जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर DMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास MP पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य मांगा गया है। स्टाफ नर्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर स्टाफ नर्स को भी सैलरी कम दी जा रही है, बट यहाँ पर यदि आप जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट में तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको संविदा बेस्ड जॉब भी, इसको आप परमानेंट जॉब ना समझें, जितने भी ART सेंटर हैं वहाँ के लिए पोस्ट है। तो इसमें BSc नर्सिंग वाले, जिनको थोड़ा बहुत MS ऑफिस आता हो, GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट कैंडिडेट के पास क्या हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो MS ऑफिस का, काम करने का, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेजने का, क्योंकि ART सेंटर में यही काम है जो किया जाता है, बट आपके पास MP का रजिस्ट्रेशन मांगा है। फार्मासिस्ट के लिए ओनली 3 पोस्ट हैं, जिसमें सैलरी है जो 13,000 दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस जो अपना फॉर्म है कहाँ पर भेजना है, तो आप जिस भी जगह के लिए अप्लाई करते हैं ART सेंटर, FIART सेंटर और डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो सेंटर हैं जहाँ के लिए आप भेजना चाहते हैं, तो एड्रेस दिए हुए हैं उन पर आपको अपना फॉर्म है जो भेजना होगा। 24 जनवरी 2022 शाम के 6 बजे तक है जो डेट रखी गई है कि आप इस तक भेज सकते हैं। यदि आपका डाक एवं अन्य किसी भी कारण से विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो यदि आपने पोस्ट स्पीच पोस्ट से जो भी फॉर्म भेजा हो, इनकेस आप डिले हो गए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एज लिमिट पर्याप्त रखी हुई है, तो सभी के लिए 18 से 62 साल तक की एज के लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो जिनका है जो ड्यूरेशन निकल गया, वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, उनके लिए अच्छा मौका है कि आप इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।